हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के जिसका उपयोग करके आप अपने फ़ोन के बैटरी को काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम वैसे बहुत सारे टिप्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे, तो पहले शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन आती है नेटवर्क एंड इंटरनेट। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वाईफाई का, इसे आपको ऑफ़ करना होता है, जो मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है। तो इस ऑप्शन में जाकर वाईफाई को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद एक ऑप्शन और आती है स्कैनिंग सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आती है और एक ऑप्शन दिखती है वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इसे मैंने ऑफ़ किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ अगर इस ऑप्शन को ऑफ़ करते हैं तो फिर आपका वाईफाई स्कैनिंग जो है वो काम नहीं करती है बैकग्राउंड में। बेसिकली इसका फंक्शन जो ये होता है कि यदि आप वाईफाई ऑफ़ करके रखते हैं, तो भी देखा होगा आपने कई बार वाईफाई ऑफ होने के बाद बावजूद भी यदि आप किसी ऐसे लोकेशन में जाते हैं जहां पर वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है, तो ये स्क्रीन पर ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन या अलर्ट आ जाती है कि आप ओपन वाईफाई नेटवर्क जोन में हैं, आप वाईफाई का उपयोग करें। तो ये जो ऑप्शन है वाईफाई स्कैनिंग के साथ ही काम करती है, इसी के माध्यम से काम करती है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो बैकग्राउंड में आपकी वाईफाई स्कैन नहीं करेगी, जिससे आपकी बैटरी रिड्यूस कम होती है और बैटरी बने रहती है। ठीक है, तो ये थी पहली ऑप्शन। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है लोकेशन, आप ठीक है जीपीएस लोकेशन की। तो देखा तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहाँ पे तीन ऑप्शन है, गूगल प्ले प्रोटेक्ट, फाइंड माय डिवाइस। ठीक है, और बेसिकली ये काम करती है जीपीएस के साथ। तो यहाँ पे जैसा कि लोकेशन देख रहे हैं आप, मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप ऐसे लोकेशन में, यदि आपको यानी आप सेफ जोन में हैं, आपको पता है आप कहाँ पर हैं, ठीक है, नॉर्मल लोकेशन में, तो आप चाहें तो ये जो लोकेशन का जो सेटिंग है इसे आप ऑफ़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जानते होंगे कि आप यदि आप जैसे कि आप फिर सोशल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि आपका जो नेटवर्क यानी आपकी जो लोकेशन है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है ऐप में। तो यदि आप ये सेटिंग ऑफ कर देंगे तो आपका लोकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं हो पाएगी, ठीक है, एंड्रॉयड के द्वारा, और प्ले स्टोर पर अपडेट भी नहीं होती रहेगी। तो इस तरह ये आप इस लोकेशन ऑप्शन को ऑफ़ कर देंगे, तो ये आपके बैटरी की रिड्यूस कैपेसिटी है, यानी कि बैटरी के जो पावर है वो अधिक समय तक यूज कर पाएंगे इस ऑप्शन को ऑफ करके। ठीक है, इसके बाद जो हम उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें आपका यूजर्स एंड अकाउंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जैसे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिंक डाटा, जो कि मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है। तो आप चाहें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहती है। जैसे कि आप गूगल में साइन इन करते हैं तो आपके सारे कॉन्टैक्ट जो लिस्ट हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। व्हाट्सएप में भी अपडेट हो जाते हैं, या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं तो गूगल के साथ आपका साइन इन ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, जो भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं उसमें यदि आप साइन इन करने का ऑप्शन है तो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाती है, और सारे जो अपडेट हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट भी हो जाते हैं। तो यदि आप चाहें तो ऑटोमेटिकली सिंक डाटा, ये जो ऑप्शन है आप इसे ऑफ़ करके रखेंगे। ये ऑप्शन अगर ऑफ़ करते हैं तो ये आपके फ़ोन के बैटरी की परफॉर्मेंस को फास्ट करेगी ही, बेहतर करेगी ही, और साथ ही आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो बैटरी भी सेव करेगी। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बात करते हैं हम। जो और एक ऑप्शन है हमारे पास वो है आपके डिस्प्ले सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको ऑप्शन एक आती है एडेप्टिव ब्राइटनेस। ठीक है, ये अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो यदि आप इस सेटिंग को ऑन रखते हैं तो दोस्तों, आप जिस भी एनवायरनमेंट में हैं, यानी कि अगर रूम के अंदर हैं या रूम के बाहर जाते हैं, तो आपकी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है आपके सराउंडिंग लाइट के अनुसार, जिसमें आपकी जो फ़ोन है वो यूज़ करती है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो यहाँ पर ये जो सेंसर ओपन रहती है, एक्टिव रहती है, तो जाहिर है ये आपके फ़ोन की बैटरी का उपयोग करेगी। तो अगर आप इसे ऑफ़ करते हैं तो आपकी जो सेंसर है वो यूज नहीं हो रहे हैं उस वक्त के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, बाकी कॉल में काम करेगी। ठीक है, तो यदि आप एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑफ़ कर देते हैं तो ये जो आपका जो सेटिंग है, यानी आपकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होगी सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग लाइट के अनुसार। पर चाहे तो आप इसे ऑन भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसे कॉल में भी यूज करते हैं, ये कॉल में यूज होती है नॉर्मली। ठीक है,
तो ये यहाँ पर केवल ये ब्राइटनेस एडजस्ट होती है, ठीक है। तो आप इसे अभी ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद जो और जो ऑप्शन है दोस्तों, डिस्प्ले ऑप्शन में और एक ऑप्शन आपको देखेगा एडवांस में जाने के बाद, ठीक है, जो है आपका एम्बियंट डिस्प्ले। आप यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक पहला ये है कि यदि आप यहाँ पर देखिए मेंशन में किया हुआ है इंक्रीज्ड बैटरी यूजेज शो टाइम नोटिफिकेशन आइकन एंड अदर इन्फॉर्मेशन, या यदि आप इसे ऑफ़ कर देते हैं तो देखा होगा दोस्तों आपने कई बार यदि आपकी स्क्रीन की लाइट ऑफ है, ठीक है, तो जैसे कोई नोटिफिकेशन या अलर्ट आते हैं, मैसेज आते हैं, तो आपकी जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर में बैकग्राउंड होती है, वाइट कलर में आपकी जो डिस्प्ले शो होती है। तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को भी डिसेबल करके रख सकते हैं, ठीक है। और आगे आपकी और एक ऑप्शन है टैप टू वेक, आप चाहें तो इसे भी ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। डबल टैप टू वेक यानी स्क्रीन ऑफ होने पर डबल टैप करके आप फ़ोन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है, आप इसे भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपका जो डिस्प्ले ऑटो रोटेशन को भी आप चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। ऑटो रोटेशन यदि आप ऑफ़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका रोटेट नहीं हो पाएगी, पर आपकी बैटरी की बचत जो है वो सेव करेगी। जैसे कि रोटेशन ऑप्शन है, ये मैंने ऑन किया और अभी मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है पोर्ट्रेट मोड में उसी तरह रहेगी, ठीक है। कि नॉर्मली आप वीडियो प्ले करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक वीडियो प्लेयर के सेटिंग होते हैं, वो आपका ऑटोमेटिक रोटेट हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसे ऑफ़ करें या ऑन भी ऑन, यदि आप चाहें तो इसे ऑफ़ करके रख सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी की काफ़ी बचत होगी। साथ ही दूसरे और भी कई दोस्तों और भी ऑप्शन है आप चाहें तो, ठीक है। आप जो यानी कि आप जो भी ऐप यूज नहीं करते हैं आप इसे इंस्टॉल ना करें, ये भी एक ट्रिक है। साथ ही आप जो लॉन्चर यूज कर रहे हैं वो आप कोशिश करें कम से कम रिसोर्सेज वाले लॉन्चर का यूज करें, जैसे कि बहुत सारे लॉन्चर आपको मिल जाएंगे, तो साइज देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सी लॉन्चर बेसिकली कम रिसोर्स यूज करती है। जैसे कि आप चाहें तो एम आई लॉन्चर कम साइज आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर लॉन्चर इसकी भी साइज कम है और ये पिक्सल लॉन्चर की तरह ही यूज होती है, तो लॉन्चर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका साइज जो है 2.8 MB का है और डाउनलोड भी 500K+ है और रेटिंग भी इसकी अच्छी खासी है 4.6, ठीक है। तो इस लॉन्चर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी इस लॉन्चर का ही उपयोग करता हूँ। इसमें आपका बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी मिल जाते हैं लॉन्चर में, तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपका जो फ़ोन का जो वॉलपेपर है उसे आप स्टैटिक रखें और डार्क थीम में रखें, यानी डार्क वॉलपेपर यूज़ करें। जैसे कि मेरे स्क्रीन पर भी डार्क थीम वाली वॉलपेपर लगी है, तो ये बैटरी की रिड्यूस बहुत ही कम करती है। तो ये सारे ऑप्शन थे, ठीक है। और भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप इंस्टॉल होते हैं जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि फाइल मैनेजर मेरे पास दो फाइल मैनेजर इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप हैं जिसका मैं उपयोग नहीं करता हूँ, तो मैं उसे डिसेबल भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि सोनी लाइव का अगर मैं यूज नहीं करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे सिंपली जाना है, यानी इसे तो अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करने के ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है, इसके लिए आप उसे कुछ समय के लिए डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फाइल मैनेजर दो हैं, आप किसी को अनइंस्टॉल करना डिसेबल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। ऐप और नोटिफिकेशन ऑप्शन में जाएँ, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे ऐप के डिटेल दिख जाएंगे। यहाँ से आप जो भी है आप जिसका यूज नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि मैं फाइल मैनेजर का यूज नहीं करता हूँ ये वाली, ठीक है, ईमेल का यूज सॉरी फाइल मैनेजर का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा डिसेबल का, ठीक है, ये सिस्टम में है प्रोग्राम, ठीक है। तो ईमेल का यदि मैं डिसेबल करना चाहता हूँ तो यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ, अगर मैं दूसरी ईमेल ऐप को यूज करना चाहूँ तो। इस तरह ये भी बैटरी को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करेगी, ठीक है। तो इस तरह आप जो ऐप को यूज नहीं करना चाहते इस प्रकार जहाँ पर जाके डिसेबल कर सकते हैं, और वापस इनेबल करने के लिए वापस ऐप इसी सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे और ईमेल यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिसेबल किया हुआ, यहाँ से इनेबल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक वापस से इनेबल हो जाएगी, फिर आप इसका उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे ट्रिक्स हैं जिसका उपयोग करके आप चाहें तो बैटरी का काफ़ी
मतलब काफ़ी हद तक बैटरी की कैपेसिटी यानी कि रनिंग टाइम को इनक्रीज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अपने आने वाले वीडियो में मैं और भी नए आइडिया के साथ वीडियोज बनाते रहूँगा, ठीक है। और एक जो ऑप्शन जो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन का जो है वो समय समय पर यानी दिन में कम से कम एक बार आप फ़ोन को रिस्टार्ट कर दें तो आपके फ़ोन की बैटरी की जो आपके फ़ोन की जो स्पीड है परफॉर्मेंस वो भी बनी रहेगी, क्योंकि आपके सारे ऐप जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट रिस्टोर हो जाएंगे जैसे थे वैसे मीन्स ऑटोमेटिक मीन्स आपके अगर कोई मीन्स जो भी बैकग्राउंड में ऐप रनिंग कर रहे थे वो सारे आपका रिस्टार्ट हो जाएंगे अगर आप फ़ोन को रिस्टार्ट करते हैं तो इसलिए आपके फ़ोन में लैग भी कम आती है, फ़ोन की स्पीड भी बनी रहती है और बैटरी भी आपकी सही रहती है। तो इस तरह के फीचर्स आप यूज़ करके अपने फ़ोन की कैपेसिटी और बैटरी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी नए आइडियाज़ के साथ वीडियो बनाते रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बाकी जो भी फीडबैक है सुझाव है अच्छी वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए तो आप इसे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।